लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए। इनकम टैक्स यानी आयकर विभाग ने आज टैक्स पेयर्स को सिर्फ एक एसएमएस से आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की सुविधा दे दी है। आईटी विभाग ने अपील भी की है कि वे एसएमएस आधारित सुविधा का उपयोग करके अपने आधार को पैन नंबर से लिंक कर सकते हैं। विभाग में इस बारे में इसमें बताया गया है कि कैसे कोई भी व्यक्ति एसएमएस के जरिए अपने आधार और अपने पैन कार्ड को आपस में लिंक कर सकता है। दोस्तों, इसके लिए आपको 567678 या 561611 नंबर पर एसएमएस करना होगा। इसके अलावा विभाग की ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर भी आप पैन व आधार नंबर को लिंक कर सकते हैं। आधार से पैन लिंक करने के लिए आपको अपने फोन से बड़े अक्षरों में UIDPN के बाद स्पेस छोड़कर अपना आधार नंबर उसके बाद अपना पैन नंबर लिखकर 567678 या 561611 को एसएमएस करना होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आधार से पैन लिंक करने के लिए आपको अपने फोन से बड़े अक्षरों में UIDPN के बाद यानी स्पेस देकर अपना आधार नंबर उसके बाद स्पेस देकर पैन नंबर लिखकर 567678 या 561611 को एसएमएस करना होगा। दोस्तों, आयकर विभाग ने किसी व्यक्ति के आधार को पैन से लिंक करने के लिए एक नई ई सुविधा भी शुरू की है, जिसके लिए ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर भी इनको आपस में लिंक कर सकते हैं। गौरतलब है कि पैन कार्ड से आधार लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है, वरना 30 जून के बाद पैन कार्ड बेकार हो जाएंगे। सरकार ने वित्त अधिनियम 2017 के तहत पैन और आधार को आपस में जोड़ने का नियम जारी कर दिया है, जो 1 जुलाई 2017 से लागू हो जाएगा। पैन कार्ड आपके इनकम टैक्स फाइलिंग, बैंक अकाउंट खोलने, KYC करवाने जैसे बड़े कामों के लिए बेहद जरूरी हो चला है। आपने 1 जुलाई तक आधार कार्ड पैन कार्ड की लिंकिंग पूरी नहीं की तो आपका पैन कार्ड रिजेक्ट हो सकता है। ऐसा होने पर आप आईटी रिटर्न नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बैंक अकाउंट होल्डर्स को भी 1 जून तक आधार लिंक कराना अनिवार्य है। आधार लिंक नहीं करवाने से आपका बैंक खाता भी बंद हो सकता है। देश में टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए आईटी विभाग ने रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार से पैन लिंकिंग को जरूरी कर दिया है और सरकार का मानना है कि इस लिंकिंग के बाद टैक्स चोरी काफी हद तक रोकी जा सकेगी। आंकड़ों के मुताबिक अभी देश में करीब 24 करोड़ से ज्यादा पैन कार्ड है और 113 करोड़ से ज्यादा लोगों का आधार कार्ड बनाया जा चुका है। दोस्तों, यदि एक नई इन्फॉर्मेशन की किस तरह से आप अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कुछ भी आपको इस वीडियो के बारे में पूछना हो तो जरूर पूछें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।